हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे सभी किसान मित्रों को, सभी किसान भाइयों को। और आज का जो ब्लॉग है वो खेती से संबंधित है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो मक्का बोने का समय आ चुका है। और मक्का बोने के लिए एक आज हम जो दिखा रहे हैं, एक ऐसी मशीन दिखा रहे हैं जिससे बहुत ही आसान तरीके से मक्का की बुआई हो सकती है। और ये जो मशीन है ये अभी नई मंगाई है और आज हम अपने खेत में मक्का बो रहे हैं। तो मैं आप सबको ये दिखाना चाहता था कि अभी जैसे हम पहले मक्का बोते थे तो हम लेबर बुलाते थे और एक एक मक्का का दाना खुरपी द्वारा हम बोया करते थे। उसमें समय बहुत लग जाता था और लेबर की भी अक्सर प्रॉब्लम आती थी। अब उस जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। अभी एक मशीन खरीद कर लाए हैं जो कि मक्का, मूंगफली और चना जैसी फसलों के लिए बहुत ही अच्छी है, जिससे बुआई आप आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये मक्का बोने की मशीन, जिसे सीड्स ड्रिल मशीन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो कीमत है वो बाज़ार में 7,000 से 8,000 रुपए के बीच में ये आपको मिल रही है। और ये अलग अलग कंपनियों की है, कोई किसान एग्रो की भी है, कहीं किसी कंपनी की है, क्योंकि ये जो मशीन है ये चाइना की है, मेड इन चाइना है, जो कि हमारे यहाँ अलग अलग नाम से बिक रही है और आ रही है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इस मशीन के बारे में। तो दोस्तों, मैं जो बता रहा था, मैं इसी मशीन के बारे में बात कर रहा था। यही है मक्का बोने की मशीन और ये मेड इन चाइना है, हमारे यहाँ मिल रही है। ये सैमसंग कंपनी की है जो कि 7800 रुपये में ख़रीदी गई थी। और इससे बुवाई जो होती है वो बहुत ही आसान तरीके से होती है। इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें ये 12 नोब्स दिए गए हैं, इनके द्वारा ही बीज निकलता है और बीज एक एक दाना करके निकलता है। और इसमें जो कैपेसिटी है इसकी, इसमें 4 किलो मक्का या 4 किलो कोई भी बीज हम रख सकते हैं। और इसके अंदर नोजल लगे हुए हैं जिससे दाना एक एक करके ही निकलता है। और सबसे अच्छी बात बता दूं, ये जो नोब्स हैं ये स्टील के बने हुए हैं, लोहे के नहीं है, जिससे कि ये आगे चल के इसमें जंग भी नहीं लगेगी और दाना भी आसानी से निकलता रहेगा। और इसके ऊपर का जो ये हैंडल है ये लोहे का बना हुआ है और बाकी पूरी मशीन जो है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। और इसमें ये 12 नोजल दिए गए हैं और इसका जो ये गैप है मक्का बोने का, ये 6 इंची का है। और इसके अलावा आप इसमें बदल भी सकते हैं, 9 इंची 12 इंची 15 इंची, ये अलग अलग अपने हिसाब से सेट भी करे जा सकते हैं। और ये इस तरीके से जब ये चलती है इसमें तो ये ऐसे खुलता है जिसमें से दाना निकलता है। मैं आपको भी चलवा के दिखाता हूँ इसे। ये देखिए इसके चलने का तरीका है। और इसके पीछे एक यहाँ पर रोलर लगा हुआ है जो कि दाना, जब इसमें जैसे यहाँ पे दाना गया, दाना लगने के बाद ये मिट्टी इसको समेटेगा और रोलर से इसे दबाता हुआ, दाने को दबाता हुआ चला जाएगा। चलिए चलाइए, इस तरीके से ये प्रोसेसिंग है इसकी। और ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर बहुत ही ईजिली, इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। और ये जैसे हम बचपन में पहिया चलाते थे ना गाड़ी, उसी तरीके से ये पूरा सिस्टम है। और बहुत ही आसान तरीके से बुआई हो रही है मक्के की, और जो कि हम स्पीड से भी इसे चला सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं इसकी जो गहराई है, जो बीज जा रहा है। और ये जो बीज जो ज़मीन में अंदर गाड़ रहा है, ये देखिए, ये रहा बीज, ये लगभग 4 इंची ज़मीन में अंदर छोड़ता है इस बीज को, ये देखिए। और इसके अलावा मैं अभी आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये नोब है, इसने यहाँ पे बीज छोड़ा होगा, अभी मैं यहाँ खोद कर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये रहा बीज। तो लगभग 4 इंची के आसपास ये ज़मीन में छोड़ता है, जिससे आपके बीज की जो गहराई है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। तो दोस्तों, अभी मैं इसे चलाकर दिखा रहा हूँ और इसे चलाने में बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी पड़ती। घर में अगर कोई छोटा बच्चा है वो भी चला सकता है, अगर आप बड़े बूढ़े हैं तो भी आप चला सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही आसान तरीका। मैं अभी इसे चलाकर दिखाता हूँ, देखिए नॉर्मली इसे हम चला सकते हैं। और मुझे ये मशीन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, अगर आपके पास में छोटी ज़मीन है और आप कोई भी है ना फसल करना चाहते हैं, चाहे आप मूंगफली की हो,
चना हो या मक्का करना चाहते हैं या दाल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बुवाई का सबसे अच्छा साधन है। और इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, आराम से देखिए मैं इसे चला पा रहा हूँ। और इस मशीन में एक एक दाना जा रहा है, अगर आपको दाने बढ़ाने हो कि एक की जगह आपको दो दाने छोड़ने हो तो इसमें आप दो दाने भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस मशीन के अंदर अलग अलग नोजल है जो इसके साथ किट आती है, उसमें करीब 8 से 10 नोजल होते हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग बीज के लिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम किसी भी लेवर से जो हम बुवाई करवाते हैं मक्का की या किसी चीज़ की, तो उसमें उनका जो खर्चा आता है, सपोज़ करो आपके पास 10 बीघा खेत है तो उसमें करीब 2 से 2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है लेवर का। और ये मशीन सारी ही 7 हज़ार रुपये की आ रही है, 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। तो आप जितना बुवाई में उधर खर्चा देंगे तो ये उसकी अपेक्षा देखी जाए तो ये आपका बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा इसमें हमको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि 7 हज़ार रुपये में परमानेंट तो मशीन हो जाती है। और ये हर फसल के लिए जैसे आप करना चाहते हैं तो उसमें बहुत काम की चीज़ है ये, और हमारी काफ़ी बचत होती है इससे, और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये मशीन पसंद आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जो भी आपका अपना सुझाव हो उस चीज़ के लिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में।